नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी लगातार देखा जाए तो एक अनोखी घटना कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम वीडियो एग्जाम 2018 के बाद पुनः इसे नया विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का दोबारा ले आया है पीटी 2022 के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16/5/2023 पे इसका विज्ञापन आ गया है। 23 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। 12 इसके आवेदन की अंतिम तिथि शुल्क जमा करने की हो जाएगी और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि हो जाएगी वो 19 जून आपके है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एग्जाम से बहुत ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये, जहां पे वीडियो एग्जाम में सारे के सारे बच्चे वहां पे एलिजिबल हैं जो फॉर्म भर दिए थे, यहाँ पे सारे के सारे एलिजिबल नहीं होंगे जो फॉर्म भरेंगे। पहली बात तो यूपी ट्रिपल एससी एक नया गेम ही बना लिया है अपना राजकोष भरने का। तो वो क्या है, 25-25 रुपए लाखों बच्चों से लिया जाए, उनमें से हजारों बच्चों को सेलेक्ट किया जाए और उसके बाद उनमें से फिर कुछ ही बच्चों का पेपर कराया जाए और नाम मात्र बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन दिया जाए। जो आपका 1468 पद है, वो नाम मात्र जो टोटल पद आए हैं वो 1468 पद आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और इस ये जो आपका है ये पीएटी 2022 के अधीन होगा। मतलब अगर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 की। पहली बात तो ये पहले विज्ञप्ति है, दूसरी बात ये 2022 के पीटी के हिसाब से है, तीसरी बात पद की संख्या 1468 है। और मैं आपको बता दूं पिछले वाले वैकेंसी में बीपीओ के भी पत्ते, वीडियो के भी पत्ते, इस बार आपके वीडियो का पद सारे के सारे पद लगभग क्या है, 1468 पद वीडियो के ही पद है। इसमें सबसे बड़ी बात है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता हो गया होगा, यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, 25-25 रुपए का फॉर्म भराता है, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग करता है। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो फिर से मेंस एग्जाम की फीस भरते हैं, फिर उनका एडमिट कार्ड आता है और फिर वो एग्जाम देते हैं। उनमें से कुछ ही बच्चे क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि बुला तो लेते हैं 15 गुना और उस पर बोलते हैं दशमलव के 2 अंक तक बुलाया जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार पैटर्न आपका 50-50-50 नहीं रहेगा। ये अगर आप देखो तो ये आपका जो श्रेणीवार या ऐसा बोल सकते हो कि जो आरक्षित या अनारक्षित पद है उनके अनुसार आपके क्या है पद है। अनारक्षित में 849 में, अनुसूचित जाति में 356, अनुसूचित जनजाति में केवल 7 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 139, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यू 117, टोटल 1468 पद है। और इस बार जो पैटर्न होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका 50-50-50 का हो। इस बार आपका हो सकता है कि रीजनिंग, जीएस, हिंदी और भी बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर भी आपका इसमें इंसर्ट हो सकता है, पूछा सकता है। हालांकि पहले कंप्यूटर में क्या था, पूछा जीएस में ही दिया जाता था, बट इस बार क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे प्रारंभिक गणित भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया गया है कि इसका जो आपका पैटर्न होगा उसे बाद में बताया जाएगा। अर्हताएं इन्होंने बता दिया है कि अर्हताओं के लिए सबसे बड़ी बात कि आपका 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी होनी चाहिए, 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी बात, ये डोएक संस्था के द्वारा ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र मांगे हैं और साफ साफ लिखे हैं द्वारा पद्धत कंप्यूटर में सीसीसी प्रमाण पत्र केवल डोएक वाला मांगे हैं। तो जब केवल डोएक वाला प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शायद समकक्ष पे ये अमल ना करें, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको मैं पॉइंट और क्लियर करूंगा, अभी इससे केवल यही पता लग रहा है कि यहाँ पे केवल ट्रिपल सी मांग रहे हैं, इसके समकक्ष नहीं चलेगा, और 12th मांग रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है क्योंकि समकक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी अधिमानी अर्हता वही होता है जिनके पास एनसीसी का होता है या फिर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से कुछ ऐसे होते हैं या फिर जिससे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का कोई जॉब किया होता है। आयु यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम में समूहगामी क्या होता है, 18 से 40 वर्ष का होता है, तो उसके लिए भी आपको नई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम और एलिजिबिलिटी के बारे में नई जानकारी आपको देने की आवश्यकता थी, तो खैर लग जाइए। एक मोटा मोटा आप लोग पूछते हो कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, तो उतना मैं बता दूं कि भाई 1468 वैकेंसी है, लगभग 15 गुना बुलाया जाएगा, 1500 × 15 करेंगे तो लगभग 22500 बच्चे बुलाए जाएंगे। 22500 बच्चों को अगर 2022 के हिसाब से देखा जाएगा तो जो परसेंटाइल जाएगा वो लगभग 93-94% के आसपास जाएगा। तो जो जिनके इसके इर्द गिर्द स्कोर होंगे, क्योंकि सारे बच्चे ले चलेंगे, आज के टाइम पे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सबके पास है, सारी फ्रेश वैकेंसीज है, तो फिर सारे के सारे बच्चे करेंगे, इस बात को आप क्लियर समझिएगा। तो 93-94% आपका स्कोर कार्ड से, जो आपका परसेंटाइल बता रहा हूं बच्चों, वो आपका जाएगा। ऐसे बच्चे वाले तैयारी अभी से जुड़ जाए, और अगर इसे कम जाता है, हालांकि चांसेस कम नहीं का कोई दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मैं इस पर डिटेल एनालिसिस लेके आपके सामने जल्दी आऊंगा। आप अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सेशन को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।